So hi friend, what's up? I hope all going goods. Okay. So welcome back to my channel. That is BWC classes. और आज का वीडियो में हमें क्या करना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में. ठीक है. So friend, आज का वीडियो में हमारा जो है मेटल के बारे में स्पेशली है, देन नॉन मेटल के बारे में. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट एग्जांपल, क्या प्रॉपर्टीज है, ये दोनों चीज सारे चीज को जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो पहला हमारा टर्म दिया हुआ है क्या के बारे में, मेटल के बारे में. ठीक है, हम लोग जनरली बहुत बार अपने लाइफ में नाम सुनते हैं मेटल मेटल मेटल. तो चलो आज जान भी लेते हैं भाई कि मेटल होता क्या है रियलिटी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मेटल? मेटल भाई साहब, मेटल. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है. अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज व्हाट, मेलिएबल, दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट व्हाट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो ये जो है ये मेटल का डेफिनेशन है. ओके, ये क्या है, ये मेटल का डेफिनेशन है. मेटल जो है एक एलिमेंट है. मेटल जो है कोई एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. इतना तो पढ़ लिए भाई कि मेटल जो होता है वो एक एलिमेंट होता है और वो क्या करता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. लेकिन हमारे पास तो इस चीज का बुद्धि नहीं है ना कि मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है. तो चलो इसके लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट क्या होते हैं. ठीक है, तो देखो मेलिएबल के बारे में क्या लिखा है. मेलिएबल, डक्टाइल और कंडक्टर, ये तीनों टर्म को हम इसलिए जान रहे हैं ताकि हम इजिली वे में अच्छे से मेटल को डिफाइन कर सके, मेटल को समझ सके. ठीक है, तो चलो मेलिएबल को देखते हैं. मेलिएबल के बारे में क्या लिखा है कि डैट कैन बी हीट, डैट कैन बी व्हाट, डैट कैन बी हीट और प्रेस्ड इनटू सेव इजिली विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग. मान लो मेटल जो होता है, मेटल का बहुत सारा चीज बनता है, बर्तन बनते हैं, ज्वेलरी बनते हैं, बहुत सारे यूजफुल चेयर्स आजकल, मतलब आई थिंक जितने भी घर का सामान होते हैं वो मतलब 80% अप्रोक्स जो होते हैं वो मेटल के ही होते हैं. तो ये सारे मेटल को बनाने के लिए हमें, ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ से निकाल के लाए मेटल और बन गया, उसको हम हीट करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको शेप देते हैं. तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेलिएबल. हम इसलिए जान रहे हैं ताकि हमको मेटल को डिफाइन करना है. मेटल को क्या करना है, डिफाइन करना है. ठीक है, तो हम मेलिएबल के बारे में जानेंगे, देन डक्टाइल के बारे में जानेंगे, फिर कंडक्टर के बारे में जानेंगे. ठीक है, हियर इज मिसिंग सम वर्क. ओके, सो व्हाट इज मेलिएबल, दैट कैन बी हीट और प्रेस, व्हाट, हीट और प्रेस इनटू सेव इजीली विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग. जब हम मिनरल निकालते हैं खदान से, ओके, जब हम निकालते हैं मिनरल, तो वहाँ मिनरल निकाल के हम तुरंत उस किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते हैं, हम उसको मशीन में ले जा करके उसको हीट दे करके उसका शेप बना करके और तब हम किसी ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो मेलिएबल एक ऐसा प्रोसेस है जब हम किसी भी मेटल को हीट देते हैं या फिर प्रेशर देते हैं तो वो किसी शेप में आता है. लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो टूटता नहीं है भाई. ठीक है, वो ना टूटता है और ना ही क्रैक करता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ये जो चीज़ है ये मेटल में बहुत खासियत है कि चलो मेटल जो है ये मेलिएबल है क्योंकि अब इसको हम हीट भी दे रहे हैं, प्रेशर भी दे रहे हैं, तो ना ही ये क्रैक कर रहा है और ना ही ये ब्रेक कर रहा है. ठीक है, तो ये है हमारा मेलिएबल. ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डक्टाइल के बारे में. तो चलो डक्टाइल के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डक्टाइल में क्या है कि एबल टू ड्रॉन आउट इन टू अ थीन वायर, ई तो बिना टूटे ना ही क्रैक किए, ई बेचारा अपना चुपचाप शेप बना दिया. अब डक्टाइल में क्या हो रहा है, इनको वायर बनाना है. ठीक है, किसी भी मेटल को जब हम किसी भी मेटल को क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके और उसको वायर बना रहे हैं, इसमें भी
वायर का सिर्फ शेप देना होता है, डक्टाइल में सिर्फ वायर का शेप देना होता है, ठीक है, ऐसा मेटल जिसको हम लोग वायर का शेप दे सके, ठीक है, जो बन सके वायर के शेप में। अब बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, ठीक है, तो देखो कंडक्टर में क्या लिखा है कि पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इजिली थ्रू व्हाट मेटल वायर सो दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंडक्टर उसको बोलते हैं जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली वे में क्या करता है, पास करता है, किस में, मेटल में, ठीक है, इजिली वे में इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है थ्रू मेटल वायर सो दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम मेटल वायर बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें देंगे तो इजिली वे में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी होता है क्या कि मतलब कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये तीन वो जो चीज है, ये तीन हम टर्म इसलिए लिखवाए ताकि हम मेटल का डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो अब शॉर्टकट में कोई बता के चल जाएगा कि भाई चलो मेटल जो है वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, कंडक्ट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल, पहले हम इसको समझने के लिए मेलिएबल भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलो ये समझ चुके हैं कि मेटल जो होता है एक एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, जो कि मेलिएबल है, डक्टाइल है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं हम मेटल। ये तो हमारा मेटल का डेफिनेशन था। अब देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर, सिल्वर जो होता है वो मेलिएबल भी होता है, बिना टूटे हम किसी भी चीज का शेप दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कॉपर, कॉपर भी, कॉपर का, कॉपर डक्टाइल भी होता है क्योंकि कॉपर का बहुत सारा वायर यूज होता है, एल्युमिनियम का बहुत सारा बर्तन यूज होता है, गोल्ड का ज्वेलरी हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत सारी चीज में यूज होता है, वायर में भी गोल्ड का यूज होता है। अब देखो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड। उसके बाद हमारा आता है थर्ड टर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म में देखो they are malleable, what they are malleable, हमने फर्स्ट टर्म में ही बता दिया था कि मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, तो यहाँ पे देखो बोल रहे कि they are malleable, can be harmed, जब हम मेटल को जब मारते हैं तो वो क्या होता है, थीन सीट में फॉर्म हो जाता है, किस चीज में, थीन सीट में, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, they form in thin sheet and they form in what, wire, ductile form in wire and malleable form in what, thin sheet, ये दोनों में डिफरेंस क्या है इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डक्टाइल और मेलिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो डक्टाइल जो होता है वो वायर में कन्वर्ट करता है जब हम हीट करते हैं या फिर हम करते हैं तो, और जो मेलिएबल होता है वो किस चीज में, थीन सीट में। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कि दे आर मेलिएबल कैन बी हार्म इन टू थीन सीट। ओके, सेकेंड में लिखा है कि दे आर वॉट, दे आर डक्टाइल मीन्स वॉट, एबल टू ड्रॉन इन टू थीन वायर मीन्स वॉट, कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, ठीक है, कैन बी ड्रॉन इन वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड थिंग क्या लिखा है कि दे हैव लस्टर्स और साइन मीन्स वॉट, कि मेटल जो होता है वो साइन करता है, देखो गोल्ड, गोल्ड जो होता है वो शाइन करता है, सिल्वर भी शाइन करता है, हम जो एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं वो भी शाइन करता है, ठीक है, तो मेटल का एक और प्रॉपर्टी है कि वो जो होता है वो शाइन करता है, ठीक है। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि दे आर सोनरस मेकर रिंगिंग साउंड व्हेन हीट, जब हम किसी भी मेटल को, दो मेटल को लेकर के जब ऐसे करते हैं मतलब हीट करते हैं तो वो क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, छन पता नहीं जो भी है कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो मतलब कि मेटल का ये भी प्रॉपर्टी है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल वे में मैंने मेटल के बारे में समझाया, एक बार अच्छे से मेटल को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि मेटल क्या होता है। देखो मेटल एक मेटल जो होता है वो एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसका कि क्या, जो कि होता है मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्या करता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, इतना याद कर लोगे काफी है। उसके बाद देखो पूछेगा कि एग्जाम्पल बताओ है सिल्वर, ये सॉरी मेटल का एग्जाम्पल बताओ, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड,
ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है, तो मैटर जो होता है वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, शाइन करता है और रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सारा मेटल के बारे में है। अब हमें वो ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा किसके बारे में, तो नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। चलो लिखते हैं। सो फ्रेंड, हमारा मेटल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या ही करना है, तो नॉन मेटल को देखना है। मैंने एक टर्म और बताना भूल गई कि ये मेटलॉइड होता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि हम पीरियोडिक टेबल में तीन चीज को स्पेशली देखते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो ये भी एक टर्म है मेटलॉइड, तो हम लोग इस एक दो लाइन है इसके बारे में, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको करने से पहले हम लोग किसके बारे में करते हैं, नॉन मेटल के बारे में। मेटल हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो देखो क्या लिखा है, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट। मेटल भी हमारा एलिमेंट भी था, ये भी हमारा एलिमेंट है, दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गए होंगे सेंटेंस कि ये जो है, ये सेंटेंस जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट, जस्ट ऑपोजिट टू मेटल, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मेटल है ये एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल, मेटल में क्या था, मेलिएबल था, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो नॉन मेटल जो है, देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है और वो जो होता है वो नॉन मेटल होता है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो एक्सेप्शन में उसको डाला गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ना ही डक्टाइल होता है, ना ही मेलिएबल होता है। अगर हम मेटल, नॉन मेटल और किसी भी चीज़ को तोड़ के उफोड़ के बनाएंगे, हीट प्रेशर देंगे तो क्रैक भी हो जाएगा, टूट भी जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है, जिनको कि ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना कार्बन को मान लो, कार्बन जो होता है वो ना ही मेलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। लेकिन इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन से निकलता है, तो उस केस में कार्बन जो होता है वो गुड कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो दे डिस्प्ले वराइटी ऑफ कलर, इसका बहुत सारा कलर होता है, ठीक है, इसका बहुत सारा कलर होता है, लाल, पीला, पिंक, हरा, ब्लू, मतलब बहुत ज़्यादा कलर होता है इसका, बहुत सारा अलग अलग आपको कलर देखने को मिलेगा किस में, नॉन मेटल में, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर, ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैंने मेटल में एक टर्म बताना भूल गया था कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों है मेटल में, लेकिन नॉन मेटल में ना ही हीट ज़्यादा कंडक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है क्या कि नॉन मेटल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में लिखा है कि दे आर नॉट लस्टरस, देन सोनरस एंड वेरिएबल, ना ही ये शाइन करता है, ना ही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और ना ही ये वेरिएबल है, ना ही डक्टाइल है, ठीक है। ये सारा हमारा प्रॉपर्टीज है इसके बारे में, तो नॉन मेटल के बारे में। तो एक बार अच्छे से नॉन मेटल को समझते हैं कि नॉन मेटल एक एलिमेंट है जिसमें कि क्या होता है, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना ही मेलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, ना ही सोनरस है, कुछ भी नहीं है, खाली एकदम, मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, भिखारी है समझ लो, ठीक। उसके बाद देखो मेटल का प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि ये जो होता है इसका बहुत सारा, चलो एक चीज भिखारी के पास एक चीज है कि इसका बहुत सारा वैरायटी ऑफ कलर है, ठीक है, इसके पास कलर बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल में।
और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में जो होता है ना, वो ग्रेफाइट क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, करंट पास होता है, ठीक है। मेटलॉइड के बारे में अब हम बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट टर्म है इस वीडियो का। तो देखो मेटलॉइड में क्या लिखा है कि सम एलिमेंट, व्हाट सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। कुछ मेटल का प्रॉपर्टीज, कुछ नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज, दोनों मिलता है और ये इसीलिए आधा आधा मिलता है और इसी को बोलते हैं हम क्या, मेटलॉइड। कुछ उसका प्रॉपर्टीज होता है, कुछ इसका प्रॉपर्टीज होता है। इसको हम ज्यादा डीपली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझ रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर के बनता है क्या, मेटलॉइड। सिर्फ इतना ही याद रखो। और मेटल और नॉन मेटल को तो हमने अच्छा से कर लिया है, अच्छे तरीके से सिंपल वे में हमने कर लिया है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल डन, साथ साथ मेटलॉइड भी डन। तो में हमारा क्या था, मेटल था और नॉन मेटल के बारे में करना था, ठीक है, जो कि हमने डन कर चुका है, ठीक है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है। और इससे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ मेटल होता है, कहाँ मेटलॉइड होता है और कहाँ नॉन मेटल होता है, ठीक है।